Hello, how are you? I hope you guys are doing great. I प्रभाव शर्मा welcomes you all to the सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर। अगर ऑडियो वीडियो क्लियर है तो एक बार आप मुझे कमेंट करके बताइए, तो फिर हम इस सेशन को आगे शुरू करते हैं। तो लास्ट सेशन में हम बात कर रहे थे लीनियर मेजरमेंट के बारे में, लेकिन क्योंकि पावर फेलियर हो गया था इसकी वजह से हम उस सेशन को कंटिन्यू नहीं कर पाए थे। तो सारी चीज़ें हमने रिवाइज ऑलरेडी कर ली थी कि क्या क्या चीज़ें हमारी लीनियर मेजरमेंट में जो हमने पढ़ी थी इसके पहले, वो हमने ऑलरेडी रिवाइज कर लिया था लास्ट सेशन में। और इस सेशन में हम आगे की चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे, और इस सेशन में आपके जो करेक्शंस होते हैं उनके बारे में हम बेसिकली यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो अगर हम करेक्शन की बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं वो करेक्शन से ही देखने को मिलते हैं, इसलिए भी ये जो करेक्शंस होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक अभी आपको कोई भी डाउट नहीं होंगे, ठीक है। और अगर आपके अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक। तो चलिए शुरुआत करते हैं करेक्शन से। बेसिकली करेक्शन का मतलब क्या होता है कि अगर कोई गलती हमने कर दी है तो उसको किस तरीके से हम सुधार सकते हैं। तो जब हम साइट पे काम कर रहे होते हैं या जब हम सर्वेइंग कर रहे होते हैं तो कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं जो हमारी केयरलेसनेस की वजह से होती हैं, बट कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिसमें हमारा कंट्रोल नहीं होता है, हम ना चाहते हुए भी उन गलतियों को परफॉर्म कर देते हैं। जैसे कि कुछ गलतियां हो गई आपका जो अर्थ है उसके शेप की वजह से, तो दैट इज योर एरर ड्यू टू स्लोप। तो वो जो स्लोप की आपकी गलती है वो हम जान के तो नहीं कर रहे हैं, पर अब अर्थ की कुछ बनावट ही इस तरीके से है कि ये जो गलती है वो हो जाती है। देन अगर हम बात करें आपकी स्टैंडर्डाइजेशन करेक्शन, तो इसमें भी हमारी गलती नहीं रहती, क्योंकि जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसी ने आपका जो टेप है उसको गलत बनाकर भेजा है या जो चेन है उसको गलत बनाकर भेजा है, तो ये गलती भी हमारे हाथ में नहीं होती है। देन पुल करेक्शन जो है वो हमारी वजह से हो सकता है, अगर हमने बहुत तेजी से खींच दिया तो वो हो सकता है, पर कॉन्शियसली वो भी हम परफॉर्म नहीं करते, मतलब वो भी गलती ऐसी है कि हम जानबूझ के नहीं करते हैं। देन टेम्परेचर पे भी हमारा कंट्रोल नहीं होता है। टैग जो होता है वो जरूर हमारे हाथ में होता है, अगर हम चेन को एकदम सीधा पकड़ के रखेंगे तो ये जो आपकी सैग वाली एरर है वो नहीं होगी। देन आपका मीन सी लेवल, जो अर्थ का मीन सी लेवल है वो फ्लक्चुएट होता है ना, उसकी वजह से जो आपके वेरिएशंस आते हैं, क्योंकि हम रेफरेंस आपके मीन सी लेवल को लेते हैं, तो वो हो जाता है आपका मीन सी लेवल करेक्शन। और कुछ कुछ आपके ये जो मिस अलाइनमेंट करेक्शन होता है ये हमारी वजह से होता है, क्योंकि हम कभी कभी ऐसा होता है कि इस तरीके से हमको जाना होता है पर हम कुछ इस तरीके से चले जाए, तो ये होता है आपका एरर ड्यू टू मिस अलाइनमेंट। तो ये सारे आपके करेक्शन जो होते हैं वो टेप में हम परफॉर्म करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें चेन की, तो चेन में आपको सिर्फ दो ही करेक्शन परफॉर्म करने होते हैं, दैट इज योर स्टैंडर्डाइजेशन करेक्शन एंड स्लोप करेक्शन। बाकी आपके जो करेक्शंस हैं जैसे कि आपका पुल करेक्शन हो गया, टेम्परेचर करेक्शन हो गया, सैक करेक्शन हो गया, मीन सी लेवल करेक्शन हो गया, तो ये वाले जो करेक्शंस हैं ये हमको चेन में परफॉर्म नहीं करने होते। अब बात आती है करेक्शंस तो आपके इतने सारे हैं, पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन से हैं, मतलब कहाँ पे हमको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपका स्टैंडर्डाइजेशन करेक्शन, तो ये काफी इंपॉर्टेंट होगा। देन आपका ये जो स्लोप करेक्शन है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो ये दो करेक्शंस ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चन सबसे ज्यादा फ्रेम होते हैं। अब किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं पहले हम वो भी डिस्कस कर लेते हैं, ताकि जब हम इन चीजों को पढ़ें तो हमारा ऑटोमेटिकली ध्यान उन चीजों पर ज्यादा जाए। तो पहला आपसे पूछा जाता है कि इनमें से ऐसी कौन सी करेक्शन होती है जो पॉजिटिव होती है या जो नेगेटिव होती है, या पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है। पॉजिटिव का क्या मतलब है? पॉजिटिव का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए आपकी ट्रू लेंथ है 100, पर इनमें से किसी एरर की वजह से आपको ट्रू लेंथ कितनी मिल रही है, 102, तो आपका करेक्शन कितने का होगा, -2 का। तो यहाँ पे आपकी करेक्शन क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। अगर हम बात करें पॉजिटिव करेक्शन का, तो अगर मान लीजिए आपकी ट्रू लेंथ है 100 और आपने जो लेंथ मेजर की वो आपको मिल गई 99, तो करेक्शन कितने का होगा, +1 का। तो इसका मतलब हो गया कि करेक्शन कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। तो क्वेश्चन भी हमारे कुछ इसी तरीके से फ्रेम होते हैं कि किस एरर में आपका करेक्शन पॉजिटिव होगा, किस एरर में आपका जो करेक्शन है वो नेगेटिव होगा, वो हमको यहाँ पर बताना होता है, फर्स्ट थिंग। लेकिन एक चीज और यहाँ पर पूछी जाती है, एक चीज और आपको यहाँ पर याद रखनी है कि जो एरर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, करेक्शन के। अगर एरर पॉजिटिव है तो करेक्शन क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो कई बार यहाँ पे एग्जामिनर क्वेश्चन को कैसे घुमाता है कि आपसे पूछ लेगा कि एरर ड्यू टू स्लोप इज, तो ये जो एरर होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। स्लोप की वजह से जो एरर आती है वो पॉजिटिव आती है, वो हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी ये याद रखिएगा आप कि आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है ये आपको बहुत ध्यान रखना है। अगर आपसे एरर के बारे में पूछा है तो आपको एरर बताना है, अगर आपको करेक्शन के बारे में पूछा है तो आपको करेक्शन बताना है, क्योंकि अगर एरर पॉजिटिव है तो करेक्शन क्या होगी, हमेशा नेगेटिव होगी। तो कई बार हम सिर्फ करेक्शन 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 हमारे दिमाग में चलता है। अभी जैसे हम पढ़ेंगे तो हम करेक्शन करेक्शन की बस बात करेंगे, तो करेक्शन हमारे दिमाग में सिर्फ करेक्शन करेक्शन चलता है, और कभी कभी एग्जामिनर क्या कर लेता है, एरर को पूछ लेता है, तो उस टाइम पे भी हम आंसर किसके रेफरेंस में दे देते हैं, करेक्शन के रेफरेंस में दे सकते हैं। तो ये गलती हमको यहाँ पर नहीं करनी है, इसलिए मैंने आपको ये गलती पहले ही बता दी है ताकि आगे ये गलती हम ना करें। ठीक, सेकेंड थिंग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपका एरर का फॉर्मूला। एरर क्या होता है आपका, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, यानी कि क्या वैल्यू हमने मेजर की है और एक्चुअल में क्या वैल्यू है, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है यही आपका किसको बताता है, एरर को बताता है। तो करेक्शन क्या हो जाता है आपका, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, अब फॉर्मूले से अगर हम नहीं भी जाएं, जरूरी नहीं है कि हम फॉर्मूले से ही जाएं, तो अगर हम नॉर्मली बात करें, नॉर्मली अगर हम बात करें तो अगर आपने कोई ट्रू लेंथ, किसी लाइन की जो ट्रू लेंथ है यानी एक्चुअल जो लेंथ है वो 100 है और आपने अगर मेजर की है 99, ठीक, तो यानी आपने एरर कितने का कर दिया है, प्लस एरर आपने -1 का कर दिया है, तो करेक्शन कितने का हो जाएगा, +1। तो यही आपका यहाँ पर हमको यही कॉन्सेप्ट है मेनली। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम। पहला जो आपका करेक्शन होता है दैट इज योर स्टैंडर्डाइजेशन करेक्शन। तो स्टैंडर्डाइजेशन करेक्शन का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्डाइजेशन करेक्शन का मतलब क्या होता है, तो कल भी हमने ये डिस्कस किया था कि जैसे जो भी आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो भी कंपनी उस टेप को बना रही है, उस कंपनी ने टेप को बनाने में क्या कर दी है, गलती कर दी है। यानी कि उस कंपनी को टेप को अगर 20 मीटर का बनाना था तो उस कंपनी ने टेप को या तो 19 मीटर का बना दिया है, या 19.5 का बना दिया है, या 19.9 का बना दिया है, या फिर 20.1 का बना दिया है। तो ये जो एरर है ये किसकी तरफ से हुई है, कंपनी की तरफ से हुई है, या जो मैन्युफैक्चरिंग जो मैन्युफैक्चरर है उसकी वजह से हुई है, इसमें हमारी गलती नहीं है। पर सर्वे जब हम परफॉर्म करेंगे तो अल्टीमेटली तो वैल्यूज हमें गलत मिलेंगी। तो अगर हमें ये पता चल जाता है कि जो हम टेप या चेन यूज कर रहे थे उसमें कुछ ना कुछ गलती थी, तो उसको हम सही कर सकते हैं, और किस तरीके से सही करते हैं वही हमारे लिए यहाँ पर समझना जरूरी है। ठीक है, तो पहला पॉइंट यहाँ पर क्या देखेंगे आप कि जो एरर होती है ये किसकी वजह से होती है, जो मैन्युफैक्चरर है उसने क्या किया है, टेप को गलत बनाया है या चेन को गलत बनाया है। अब करेक्शन का फॉर्मूला क्या हो जाता है आपका, जैसे कि मैंने आपको बताया करेक्शन का फॉर्मूला हो जाता है आपका ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। अब देखिए जो मैं आपको शुरुआत में डिस्कस कर रहा था कि हर जगह हम क्या पढ़ेंगे, करेक्शन, और करेक्शन का ही फॉर्मूला पढ़ेंगे, तो दिमाग में हमारे अल्टीमेटली सेट हो जाता है करेक्शन। ठीक है, तो बेसिकली जब हमसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है ना तो हम आंसर करेक्शन के हिसाब से ही करते हैं, तो इसलिए हमें थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देकर यह देखना है कि क्वेश्चन में हमसे एरर पूछा है कि करेक्शन पूछा है। अगर मैं स्टैंडर्डाइजेशन करेक्शन की बात करूं तो यहां पर दो केसेस हो सकते हैं। केस नंबर 1 हो सकता है कि आपकी जो टेप की लेंथ है वो ज्यादा है। ठीक है, केस नंबर 1 आपका यहां पर हो सकता है कि टेप इज टू लॉन्ग, टेप इज टू लॉन्ग, यानी कि आपका जो टेप मैन्युफैक्चर किया गया है वो थोड़ा सा बड़ा मैन्युफैक्चर कर दिया गया है। मान लीजिए हमने टेप लिया है 20.1 मीटर का, जो है वो ट्रू लेंथ है आपके टेप की। ठीक है, ये है आपकी ट्रू लेंथ, यानी जो मैन्युफैक्चरर ने आपको प्रोवाइड किया है टेप वो कितने का प्रोवाइड किया है, 20.1 का, पर एक्चुअल लेंथ कितनी होनी चाहिए थी टेप की, 20, तो आपकी एक्चुअल लेंथ थी कितनी, 20 होनी चाहिए थी, 20, पर मैन्युफैक्चरर ने बना दिया 20.1 का। अब मान लीजिए आपने कोई एक लाइन को, डिस्टेंस को मेजर किया, ठीक, लेट अस सपोज कि ये डिस्टेंस था कितने का, 20.1 मीटर का, कितने का ये डिस्टेंस था, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ए से बी तक आपने क्या किया, उस पर्टिकुलर जो टेप है या जो चेन है उससे लेंथ को मेजर किया, और वो एक्चुअल में ट्रू वैल्यू कितनी थी, 20.1, पर क्योंकि आपका टेप कितना था, 20.1 का था, पर जो टेप होगा उसके ऊपर मार्किंग कितने की होगी, भले ही आपका टेप 20.1 मीटर का है, ठीक है, भले ही आपका टेप जो है वो 20.1 मीटर का है, पर जो टेप में मार्किंग होगी वो तो 20 मीटर होगी। तो जब आप इस लेंथ को नापेंगे तो कितना आप रिपोर्ट करेंगे, 20 मीटर, क्योंकि आपका टेप तो मार्किंग कितनी है, हमें थोड़ी ना पता है कि वो एक्चुअल में 20.1 का है, ये तो मैन्युफैक्चरर ने गलती की है, पर हम तो ये मान के टेप को उठाएंगे कि टेप आपका 20 मीटर का ही है, एक्चुअल में लेंथ कितनी थी, 20.1 मीटर की, पर आपने 20 मीटर से नापी और आपको मार्किंग कितने की दिखी, 20 मीटर, तो आपने जो रिपोर्ट की होगी लेंथ वो कितने की होगी, 20 मीटर की, पर जो यहां पे हम रिपोर्ट को क्या बोलते हैं, मेजर्ड लेंथ, तो ये जो आपकी मेजर्ड लेंथ है ये कितने की है, 20.20 है ना, 0.1 तो आप मेजर नहीं किया होगा क्योंकि टेप का मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, पर जो ट्रू लेंथ होगी वो कितने की होगी, 20.1 1 मीटर की। ठीक है, अब यहां पर आपने कितने की एरर कर दी, यहां पर आपकी जो एरर है वो 0.1 मीटर की है। ठीक है, 0.1 मीटर की है। तो ट्रू लेंथ आपकी कितनी है, अगर मैं एरर निकालूं तो एरर क्या होता है, ट्रू लेंथ माइनस मेजर्ड लेंथ। ट्रू लेंथ आपकी कितनी है 20.1 और मेजर्ड कितनी है 20। तो यहां पर आपको करेक्शन कितने का करना पड़ेगा, 0.1 मीटर का। तो जो भी वैल्यू आप नाप कर लाए हैं उसमें अगर आप प्लस क्या कर देंगे 0.1 कर देंगे तो आपको ट्रू लेंथ मिल जाएगी। तो यहां से मुझे क्या समझ में आया कि व्हेन टेप इज बिगर जो करेक्शन होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अगर टेप आपका ट्रू लेंथ जो उसकी होनी चाहिए उससे बड़ा है, जैसे कि 20 का होना चाहिए पर वो 20.1, 20.2, 20.3 या 20.5 का है, मतलब अपनी नॉमिनल लेंथ से अगर बड़ा है तो आपकी जो करेक्शन होता है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है और एरर क्या होगी, हमेशा नेगेटिव होगी। ठीक है, तो अगर कई बार देखिए एग्जामिनर यहाँ पे कैसे खेलता है कि आपको कोई भी क्वेश्चन देगा और आपसे बोलेगा कि टेप आपका मान लीजिए 1 सेंटीमीटर लॉन्ग है या 2 सेंटीमीटर लॉन्ग है, यानी 20.5 मीटर का है या 20.05 मीटर का है। अब आपका यानी आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा कि करेक्शन पॉजिटिव होगी तो आपको मेजर्ड डिस्टेंस बता देगा 400। ठीक है, और आपसे पूछेगा ट्रू डिस्टेंस क्या होगा। तो आपसे कैसे खेलता है, ऑप्शन में आपको 4 ऑप्शन दे देगा। ए में आपको लिख देगा 399, बी में आपको लिख देगा 398, सी में आपको लिख देगा 395 और डी में आपको लिख देगा 402। तो जैसे ही आप देखोगे कि आपकी एरर पॉजिटिव है तो आंसर भी हमेशा जो मेजर डिस्टेंस है उससे बड़ा आएगा और एक ही ऑप्शन आपको ऐसा देता है जिसमें आंसर क्या होता है, बड़ा होता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए भी कई बार फ्रेम किए जाते हैं, क्योंकि जो अच्छे से तैयारी करके नहीं गया होगा तो पहले वो इसको फॉर्मूला जो अभी हम पढ़ेंगे आगे उसमें लगाएगा, उसको सॉल्व करेगा और फिर 402 आंसर तक पहुंचेगा। लेकिन अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हमको पता चल गया कि हमारा जो लेंथ है टेप का वो ज्यादा है, दैट मीन्स जो करेक्शन होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव ही होगी। तो डायरेक्टली हम ऑप्शन को देखकर टिक लगा सकते हैं आंसर को। ठीक है, हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो यहां तक तो क्लियर हो गया होगा कि जब मेरी लेंथ है टेप की वो अगर बड़ी है ट्रू लेंथ से जो उसको होना चाहिए तो करेक्शन हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो करेक्शन क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। अब आता है हमारा केस नंबर 2। केस नंबर 2 में यह हो सकता है कि जो आपकी लेंथ है टेप की, जो लेंथ है वो क्या है, शॉर्ट है, टेप इज टू शॉर्ट। तो यानी आपका जो ट्रू लेंथ था टेप का वो 20 मीटर होना चाहिए पर एक्चुअल में वो क्या है, उसकी जो ट्रू लेंथ जो है उसकी 19.9 मीटर है और जो उसकी नॉमिनल लेंथ होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 20 मीटर होनी चाहिए। तो यहां पर क्या हो गया कि जैसे मान लीजिए ये दो पॉइंट के बीच है, एक पॉइंट ए है और ये एक पॉइंट बी है, इनके बीच का जो ट्रू डिस्टेंस है वो 19.9 मीटर है। ठीक है, पर हम 20 मीटर के टेप से जब इसको नापने गए, क्योंकि हमारा टेप क्या था, शॉर्ट था पर वो हमको पता नहीं था, तो टेप के ऊपर तो 20 लिखा होगा तो हमारा जो मेजर्ड डिस्टेंस हम नाप के आएंगे वो कितना होगा, 20 होगा। पर जो आपका ट्रू डिस्टेंस होगा वो 19.9 होगा। ठीक, तो अब फिर से अगर मैं यहां पर करेक्शन निकालूं तो करेक्शन क्या होता है, ट्रू डिस्टेंस या ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू आपकी कितनी है, 19.9 है और मेजर्ड आपने कितनी की है, क्योंकि टेप के ऊपर 20 लिखा हुआ है तो आपने 20 रिपोर्ट किया तो ये आपकी 20 हो गई। तो आपका यहां पर जो करेक्शन आएगा वो कितने का आएगा, -1 का, -0.1 का। तो यहां से मुझे ये भी समझ में आ गया कि जब टेप की लेंथ क्या होगी, शॉर्ट होगी तो करेक्शन हमेशा नेगेटिव होगा। ठीक है, तो टेप की लेंथ अगर बड़ी है तो करेक्शन पॉजिटिव होता है, टेप की लेंथ अगर छोटी है तो करेक्शन नेगेटिव होता है। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया जाए और उसमें बोला जाए कि टेप इज 5 सेंटीमीटर शॉर्ट और जो मेजर डिस्टेंस है वो 400 है, और अगर मैं आपको ऑप्शन में दे दूं 402, 404, 399 और आपका 400, तो आप यहां से भी देख के बता सकते हो कि क्योंकि आपका टेप शॉर्ट है यानी कि आपका जो करेक्शन होगा वो नेगेटिव होगा और सही आंसर आपका सी हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन यहां से फ्रेम हो सकते हैं। तो अगर यहां तक क्लियर है तो एक बार मुझे बताइएगा, फिर हम इसके जो फॉर्मूले है उसको डिस्कस करते हैं। मेन कॉन्सेप्ट यहां पर यही था। ठीक है, तो ये क्लियर होना हमारे लिए काफी जरूरी है क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट इसका यही है कि किस तरीके से स्टैंडर्डाइजेशन करेक्शन में हम एरर को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, किस तरीके से जब बड़ा होता है हमारी नेगेटिव होती है और करेक्शन पॉजिटिव होता है, और किस तरीके से टेप जब छोटा होता है अपनी एक्चुअल लेंथ से तो करेक्शन हमारे नेगेटिव होता है और एरर पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो ये आपके लिए क्लियर करना जरूरी है। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है तो एक बार बताइएगा। ठीक है, और इसका अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है आपका, जो भी आपने मेजर लेंथ की है वो, अगर आप बेसिकली इसको इन क्वेश्चन से हमको क्या निकालना होता है, करेक्टेड लेंथ या ट्रू लेंथ हमको यहां पर कैलकुलेट करना होता है। तो ट्रू लेंथ की अगर हम बात करें तो ट्रू लेंथ क्या हो जाएगी आपकी, मेजर्ड लेंथ, यानी कि जो भी लेंथ आपने मेजर किया है। ठीक है, मान लीजिए आपने मेजर किया है कितना, 400 मीटर। आपने जो गलत टेप से लेंथ को मेजर किया है वो क्या है, 400 मीटर, तो मेजर्ड लेंथ की जगह आप रख दोगे 400 मीटर। ठीक, उसके बाद आता है आपका नॉमिनल लेंथ, एक्चुअल लेंथ ऑफ द टेप। एक्चुअल लेंथ यानी कि कितना शॉर्ट है, जैसे मान लीजिए 19.9 का है तो आपका यहाँ पर 19.9 आ जाएगा एक्चुअल लेंथ में। और नीचे आता है आपका नॉमिनल लेंथ। नॉमिनल लेंथ यानी कि आपके टेप की लेंथ जो होनी चाहिए, जैसे हमारे टेप की लेंथ या तो 20 होती है या फिर 30 होती है। तो ये जो आपकी होल नंबर वाली, मतलब ये जो आपका राउंड फिगर है, ये हमेशा डिवाइड में आता है। इस तरीके से आप इसको याद रखिए। तो सिर्फ आप एक ये वाला फॉर्मूला याद रखिए, अगर इस फॉर्मूले के बिहाफ में कोई भी अदर चीज आपको पूछा जाए तो आप उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद रखिए, क्या होता है आपका, मेजर्ड लेंथ इनटू एक्चुअल लेंथ ऑफ टेप डिवाइडेड बाय नॉमिनल लेंथ ऑफ टेप। तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, करेक्टेड लेंथ को निकाल सकते हो। ठीक है, और अगर यहीं पे हमको एरिया पूछा जाता है तो हम क्या करते हैं, एरिया में जो आपका एक्चुअल लेंथ डिवाइड बाय नॉमिनल लेंथ है उसका क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। बस इतना सा डिफरेंस आ जाता है एरिया के लिए। दो तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, एक तो या तो आप, क्योंकि आप जब कंपास ये आप चेन सर्विंग कर रहे हो तो या तो आप एरिया कैलकुलेट कर सकते हो, है ना, क्योंकि अगर मान लीजिए एक आपका इस तरीके से प्लॉट है, आपने ये वाली लेंथ कैलकुलेट की और ये वाली लेंथ कैलकुलेट कर दी, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल एरिया भी आ जाएगा। तो या तो आपसे एरिया के जो करेक्शन है वो पूछा जा सकता है, या ही जो आपका लेंथ का करेक्शन है वो पूछा जाता है। तो अगर आपसे लेंथ का करेक्शन पूछा जाता है तो वो जाता है आपका मेजर्ड एरिया इंटू एक्चुअल लेंथ डिवाइडेड बाय नॉमिनल लेंथ, और अगर आपसे एरिया करेक्शन पूछा जाता है तो मेजर्ड एरिया इंटू एक्चुअल एरिया डिवाइडेड बाय मेजर्ड लेंथ का होल स्क्वायर। तो ये आपका ये जो करेक्शन है वो क्लियर है, या फिर से एक बार इसको रिपीट करना हो तो आप मुझे बता दीजिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा। तो आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं, इसमें देखते हैं क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो आपका एक मान लीजिए आपकी जो मेजर्ड लेंथ है, जी हमेशा आपके जो डिवाइड होगा उसमें नॉमिनल लेंथ होगा। करेक्ट एरिया की अगर हम बात करें तो मेजर्ड एरिया इंटू एक्चुअल एरिया डिवाइडेड बाय मेजर्ड लेंथ। क्या हो रहा है कि यहाँ पे आप लेंथ की बात कर रहे हैं, ये सारे आपके किसकी बात कर रहे हैं, हम मीटर की बात कर रहे हैं। एरिया में क्या हो जाएगा, जो एरिया ये आपका स्क्वायर होगा, तो आपका जो लेंथ है एक्चुअल लेंथ है वो तो आपकी मीटर में ही रहेगी, मेजर्ड लेंथ भी आपकी मीटर में रहेगी। इसको हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। देखिए इसको अगर हम ऐसे समझें, मान लीजिए ये आपका क्या है, टेप है। ठीक है, ये आपका टेप है, और हम ये मान के चल रहे हैं, थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो गया, ये हम मान के चल रहे हैं कि जो टेप है आपका ये कितने मीटर का है, 20 मीटर का है। ठीक, क्योंकि इस टेप के ऊपर लिखा हुआ है 20 मीटर। ठीक है, ये तो क्लियर होगा कि अगर आप कोई मार्केट से टेप खरीद के लाते हैं तो उसके ऊपर मार्किंग होती है। तो मान लीजिए ये हमारा टेप है और इसके ऊपर मार्किंग है 20 मीटर की। ठीक, अब मैं ये लेकर गया साइड पे और मैंने एक लेंथ को मेजर किया। ठीक है, मैंने एक लेंथ को मेजर किया, इस टेप से मैंने इस लेंथ को मेजर किया और मुझे ये लेंथ निकल कर आई कितनी, मान लीजिए एक जितनी मेरे टेप की लेंथ थी उतनी लेंथ मैंने मेजर की, तो मैंने ये लेंथ मेजर करके बता दी 20 मीटर की। ठीक, मैं आया और मैंने अपनी फील्ड बुक में रिपोर्ट भी बना दी कि मैंने ए से बी पॉइंट को नापा और ये जो ए बी पॉइंट था ये कितने का था, 20 मीटर का था। ठीक है, ये जो आपका ए बी पॉइंट था वो कितने का था, 20 मीटर का था। अब जब मैंने इसको दूसरे टेप से नापा, इस टेप को जब मैंने दूसरे टेप से नापा और वो टेप सही था, तो मुझे पता चला कि ये टेप क्या है, लंबा है, एक्चुअल में 20 मीटर का नहीं है, 20.1 मीटर का है। तो यानी कि मैंने एरर कर दी, एक्चुअल जो उसकी ट्रू लेंथ वो कितने की थी, 20 0.1 मीटर थी। ठीक है, अब जब मेरी जो मेजर लेंथ थी वो कितने की थी, 20 मीटर की थी, यानी यहां पे मेरा जो एरर है, अगर मैं एरर निकालू तो एरर क्या होगा मेरा, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। तो मेजर मेरा 20.1 है, मेजर मेरा 20 है और एक्चुअल मेरा 20.1 है, यानी कि एरर यहां पे मैंने कर दिया 0.1 का। तो करेक्शन क्या हो जाएगा, प्लस 0.1, यानी अगर जो मैंने लेंथ को मेजर किया, जैसे मैंने 20 मीटर मेजर किया ए बी, इसमें अगर मैं 0.1 को प्लस कर देता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगी, ट्रू लेंथ मिल जाएगी। ठीक है, अब ये फॉर्मूला कैसे बना, ये फॉर्मूला भी आपका इसी तरीके से बना। अगर हम करेक्ट लेंथ की बात करें तो करेक्ट लेंथ हमने किससे मेजर की होगी, करेक्ट लेंथ आपका करेक्ट टेप से मेजर की जाएगी ना। तो ये होता है आपका करेक्ट लेंथ ऑफ टेप इंटू करेक्ट लेंथ। ठीक है, ये वाली जो वैल्यू है ये किसके बराबर होनी चाहिए आपकी, मेजर्ड लेंथ इंटू नॉमिनल लेंथ ऑफ टेप, या जो आपका करेक्टेड लेंथ है इंटू जो नॉमिनल लेंथ है, ये आपकी बराबर होनी चाहिए मेजर्ड लेंथ इंटू एक्चुअल लेंथ के, है ना। तभी तो आपका जो पूरा एरिया होगा वो सही होगा। पर इसमें से अगर हम क्या करें, हमको यहाँ पे कोई भी एक चीज निकालनी, जैसे अगर हमको करेक्टेड लेंथ निकालनी है तो इसको हम इधर भेज देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, मेजर्ड लेंथ इंटू नॉमिनल लेंथ डिवाइडेड बाय करेक्टेड लेंथ। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, करेक्टेड लेंथ ऑफ टेप होगा यहाँ पे, है ना, नॉमिनल लेंथ ऑफ टेप होगा। तो यहां से हमको क्या मिल जाएगा, करेक्टेड लेंथ मिल जाएगी। अब जब हम एरिया की बात करेंगे, जब हम एरिया की बात करेंगे तो एरिया में क्या होता है, एरिया में आंसर आपका किस में आना चाहिए, मीटर स्क्वायर में आना चाहिए। तो यहाँ पे हम एरिया रखेंगे हर जगह, जहां पे हम लेंथ रख रहे थे वहां पे एरिया रखेंगे। तो यहाँ पे जहां पे हम टेप को भी लेंथ में रख रहे थे उसको हमको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, तभी तो सारी आपकी यूनिट क्या होंगी, प्रोपोर्शनेट हो पाएंगी। क्लियर है। बेसिकली यहाँ पर हम क्या यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हम नॉर्मल मैथ का ही हमारा प्रिंसिपल यूज कर रहे हैं कि अगर हम किसी, अगर सही चीज से मेजर कर रहे हैं तो अगर हमारा सही एरिया हमको निकालना है, ये मान लीजिए आपका करेक्टेड लेंथ है और ये आपका सही टेप है, तो ये आपका जो आप मेजर कर रहे हो वो उसके बराबर आएगा, तभी तो हम बोलेंगे ना कि हमने जो मेजर किया वो सही किया है। तो ये प्रिंसिपल यहाँ पर यूज होता है। ठीक है, इसको क्वेश्चन से समझिए, क्वेश्चन से और अच्छे समझ पाएंगे। क्वेश्चन कैसे आते हैं आपके, जैसे आपसे बोलेगा कि आपका जो मेजर डिस्टेंस है वो 7200 है, ठीक है, 7200 मीटर है। देन आपका जो आपको ट्रू डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, ट्रू डिस्टेंस निकालना है। और अगर हम बात करें नॉमिनल लेंथ ऑफ टेप की, वो कितनी होनी चाहिए, 20 मीटर होनी चाहिए। पर जो आपकी एक्चुअल लेंथ है टेप की वो कितनी है, आपका टेप जो है वो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है, यानी कि आपका जो टेप है वो 20.1 मीटर का है। तो आप मुझे ट्रू डिस्टेंस यहाँ पर कैलकुलेट करके बताइए। तो ट्रू डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा आपका, मेजर डिस्टेंस इनटू जो आपका एक्चुअल लेंथ है इसका, टेप का, डिवाइडेड बाय जो आपका नॉमिनल लेंथ है टेप का। ठीक है, तो ये आप मुझे कैलकुलेट करके बताइए क्या आ रहा है। ये हो जाएगा आपका 7200 इंटू एक्चुअल लेंथ क्या होगी आपकी 20.1 और नॉमिनल लेंथ क्या होगी 20। तो वैल्यू आपकी 7200 से बड़ी ही आएगी, क्योंकि इन दोनों का अगर आप डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आपकी 1 से ऊपर आएगी। तो वैल्यू आपकी 7200 से ज्यादा आएगी। ठीक है, शायद आपका ये 7224 मीटर आएगा शायद, ठीक है, मोस्ट प्रॉब्ली मतलब 700 से ऊपर आएगा। तो इन दोनों वैल्यू को जब आप माइनस करेंगे तो आपको करेक्शन मिल जाएगा। करेक्शन कितने का हो जाएगा, 24 मीटर का। ठीक है, क्लियर है। देखिए बेसिकली इसमें हम क्या कर रहे हैं, राइट इंटू राइट इक्वल्स टू रॉन्ग इंटू रॉन्ग, राइट इंटू राइट इक्वल्स टू रॉन्ग इंटू रॉन्ग करेंगे तो जो हमारा एरर है वो हमको मिल जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से अगर हम बात करें, आपका टेप का लेंथ छोटा है, ठीक है, मान लीजिए आपका जो मेजर्ड लेंथ है वो 300 मीटर है, आपका जो टेप की लेंथ है वो 20 मीटर है, ट्रू लेंथ है जो टेप की। वो 20 मीटर है। अब आपका टेप जो है वो शॉर्ट है, यानी सॉरी ट्रू लेंथ आपकी 19.9 है और होनी कितनी चाहिए थी, ट्रू लेंथ जो इसकी होनी चाहिए थी, मतलब नॉमिनल लेंथ जो इसकी होनी चाहिए थी वो कितनी है आपकी 20 मीटर है। अब आपको यहां पर क्या निकालना है, करेक्टेड लेंथ निकालना है। तो ये वाला आप मुझे सॉल्व करके बताइए। हरिओम, आपकी जो एरिया होगा ना उसमें नीचे क्या आएगा, मतलब स्क्वायर कर देते हैं हम, और अगर हम बात करते हैं डिस्टेंस की तो फिर लेंथ होता है, ठीक है। एरिया में एरिया होता है और डिस्टेंस में आपका डिस्टेंस होता है। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 300 × 19.9 / 20। तो शायद आपका ये 299 आएगा, ठीक है। तो यानी कि आपका जो आपका ट्रू एरिया होगा या ट्रू लेंथ होगी आपकी जो, वो हो जाएगी 299 और हमारी मेजर्ड लेंथ कितनी थी 300। तो अगर मैं एरर निकालूंगा तो क्या आएगा, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। तो मेजर्ड हमारी 300 थी माइनस 299, तो यहाँ पे जो आपकी एरर आ गई वो कितने की आ गई, 1 मीटर की, ठीक है। तो इससे मुझे ये समझ में आया कि अगर जो टेप मेरा 20 मीटर का होना चाहिए, अगर वो 19.9 मीटर का है और अगर मैं 300, ठीक है, तो इसी के आसपास कुछ आएगा है ना, 299 के आसपास ही है। तो इससे मुझे ये समझ में आ रहा है कि अगर कोई 300 मीटर का लेंथ है उसको मैं मेजर कर रहा हूं किसी टेप से जो कि 20 मीटर का होना चाहिए पर वो 19.9 मीटर का है, तो उस लेंथ को मेजर करने में मैं कितनी गलती कर दूंगा, 1 मीटर या 1.5 मीटर की मैं गलती कर दूंगा अगर मेरा टेप छोटा होता है। और अगर मेरा टेप यहाँ पर बड़ा होता है तो कुछ वैल्यू को मैं क्या कर लूंगा, ज्यादा मेजर कर लूंगा, कुछ वैल्यू को कम मेजर करूंगा। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, तब मेरे को जाके करेक्ट डिस्टेंस मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपका टेप जो होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है, तो करेक्शन क्या होता है आपका, पॉजिटिव होता है। और अगर आपका टेप जो है वो स्मॉल होता है तो करेक्शन क्या होता है, नेगेटिव होता है। कई बार क्या होता है हमसे, एक क्वेश्चन और यहाँ पर फ्रेम होता है, आपसे बोलता है कि आधा डिस्टेंस आपने जिस टेप से नापा उसमें टेप आपका 0.1 मीटर या 10 सेंटीमीटर बड़ा था, फिर आपने जो आधा डिस्टेंस नापा उसमें आपका जो टेप था वो छोटा था। इस तरीके के प्रॉब्लम भी फ्रेम हो सकते हैं। तो पहले आपको क्या करना है, ए से बी तक का ट्रू डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेना है और फिर बी से सी तक का ट्रू डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। ए से बी तक का ट्रू डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेना है और बी से सी तक का ट्रू डिस्टेंस कैलकुलेट कर देना है, उनको ऐड कर लेना है। एक क्वेश्चन में आपसे ये भी बोल देता है कि जब हमने शुरू किया था, ठीक है, शुरू किया था तो कोई एरर नहीं थी, फिर आखिरी में बी पॉइंट पे आने के बाद हमारी एरर आखिरी तक इतनी एरर आ गई, तो उसमें आपको एरर को क्या कर देना है, डिवाइड बाय 2 कर देना है, ठीक है। खैर इस तरह के क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे, बेसिकली इसी तरीके के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं यहाँ से कि आपसे ट्रू लेंथ यहाँ पर कैलकुलेट करने को बोलता है, ठीक है। चलिए ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, तो ये क्लियर है। तो हम नेक्स्ट एरर की तरफ आगे बढ़ें। देखिए नेक्स्ट जो एरर है वो आपका होता है स्लोप की वजह से, ठीक है। अर्थ का जो स्लोप होता है या जो कर्वेचर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। तो एक्चुअल में अगर मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जा रहा हूं तो मैंने कैसे मेजर किया होगा, इस तरीके से मेजर किया होगा, पर मुझे ट्रू लेंथ कैसी मेजर करनी चाहिए, इस तरीके से मेजर करनी चाहिए, है ना। तो मैंने क्या कर दिया, ये जो एच हाइट है इसकी क्या कर दी, एरर कर दी, है ना। मुझे जब मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जा रहा था ये मैंने आपका एरर निकाला, देखिए एरर आपका यहां पर पॉजिटिव है तो करेक्शन क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये मैंने आपका एरर निकाला, यहां पे एरर इक्वल्स टू मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, है ना। तो हमारी मेजर्ड वैल्यू कितनी थी, 300 थी और ट्रू कितनी आई, 299 आई। तो 300 माइनस 299 कितना हो जाएगा आपका, +1 मीटर। अगर ये +1 मीटर है, एरर अगर आपका +1 मीटर है तो करेक्शन क्या हो जाएगा, -1 मीटर। तो यहाँ पे आप देख रहे हो टेप की लेंथ यहाँ पर कम थी, एक्चुअली होनी चाहिए थी कितनी है यहाँ पर 19.9 है, तो अगर आपकी टेप की जो लेंथ है वो कम है तो करेक्शन क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, पॉजिटिव कहाँ हो रहा है। क्लियर है। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इससे अगर आप इस कॉन्सेप्ट को याद रखते हो ना तो अपने आप ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, मैक्सिमम आपका आधे से ज्यादा काम सही हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो अब मैं क्या बता रहा हूँ कि अगर जब हम ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जाते हैं तो अर्थ का जो कर्वेचर है उसकी वजह से हम ए से इस ये वाला बी ये वाली लाइन को मेजर कर लेते हैं, पर एक्चुअल में हमको तो सीधा जाना चाहिए, है ना, यहाँ पे हमको जाना चाहिए। तो ये जो आपकी हाइट है इसका हम क्या कर देते हैं, एरर कर देते हैं। ठीक है, इस हाइट की जो हम है क्या कर देते हैं, एरर कर देते हैं। ठीक, अगर अब मुझे ये जो अगर मैं यहां पर देखूं तो ये क्या बन रहा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, ये मेरा हाइपोटेनस हो गया, जो लेंथ मैं मेजर कर रहा हूं, मैंने ए से लेकर बी लेंथ को मेजर किया, तो ये जो ए से बी तक की लेंथ है यही मेरा क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया। ये मेरा क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, ये जो मैंने एरर की है क्या हो गया, मेरा परपेंडिकुलर हो गया। एक्चुअल में मुझे जो लेंथ कैलकुलेट करने वाले चाहिए थी वो क्या था, मेरा बेस। तो यहाँ पे जो मेरा बेस है ये अगर मैं निकाल लूं, है ना, ये जो मेरा बेस है ये अगर मैं निकाल लूं तो ये आपके ट्रू लेंथ के बराबर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे जब मैं हाइपोटेनस थ्योरम लगाता हूं और मुझे इसको हम नाम दे रहे हैं बी डैश, और अगर मुझे ए बी डैश को कैलकुलेट करना है तो वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ हाइपोटेनस का स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट ऑफ एल का स्क्वायर माइनस एच का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगी मेरी ट्रू लेंथ, ये क्या हो जाएगी, ट्रू लेंथ। पर मैंने मेजर कौन सी की होगी, ए बी, तो ये जो मेरी ए बी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, मेजर्ड लेंथ। देखिए फिर से इसको समझते हैं। ये आपका अर्थ है। ठीक, ये मैंने ए पॉइंट से शुरू किया मेजरमेंट करना, ठीक है, और मैं बी पॉइंट तक, ये मैंने टेप को पकड़ा और मेजर कर लिया। ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, पर अगर मैं देखूं तो एक्चुअली मुझे क्या मेजर करना चाहिए, सीधा, जो कि मैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहा हूं तो मुझे सीधा मेजर करना चाहिए था। एक्चुअली मुझे ये डिस्टेंस मेजर करना चाहिए था, यानी मैंने एरर कितनी कर दी, इतनी मैंने एरर कर दी, जिसको मैंने बोल दिया एच हाइट। ये क्या हो गई, मेरी एरर हो गई। इसको अगर हम नाम दे देते हैं सी, तो ये जो ए से सी है ये मेरी क्या है, ट्रू लेंथ है, जो मुझे कैलकुलेट करनी चाहिए थी। ए से जो सी है वो क्या है, ट्रू लेंथ है, जो मुझे कैलकुलेट करनी चाहिए थी। मैंने कैलकुलेट किया है ए बी, क्योंकि कर्वेचर ही ऐसा अर्थ का, उसमें मेरी तो गलती नहीं है। तो ए बी क्या हो गई आपकी, मेजर्ड लेंथ। मैं यहां पे देख रहा हूं कि ये क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। तो अगर मैं यहां पर पाइथागोरस थ्योरम निकालूं और मुझे ए सी निकालना, क्योंकि मेरा मकसद क्या है, ट्रू लेंथ को कैलकुलेट करना, तो यहां पर ए सी जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ, इसको अगर हम L बोल रहे हैं क्योंकि ये मेरी मेजर्ड लेंथ है, और इसको अगर हम H बोल रहे हैं तो L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर। AC क्या हो जाएगा मेरा, अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप मुझे बताइए, अगर कोई भी ट्राइंगल में तीन साइड है, ठीक है, और वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इन तीनों साइड में से सबसे बड़ी साइड कौन सी होती है, पहले तो आप मुझे ये बताइए। अगर कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है तो उस राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे बड़ी साइड कौन सी होती है, सबसे बड़ी साइड होती है आपकी हाइपोटेनस। ठीक है, और यहां पर हम क्या मेजर कर रहे हैं, हाइपोटेनस ही मेजर कर रहे हैं। तो अगर हम यहां पर हाइपोटेनस मेजर कर रहे हैं, यानी कि मेरी जो मेजर्ड लेंथ है वो हमेशा क्या है, ज्यादा है। ठीक है, यानी अगर ट्रू लेंथ आपकी 200 होगी और मैंने हाइपोटेनस मेजर किया होगा तो जरूर 200 से तो ज्यादा ही मेजर कर दिया होगा कुछ, अगर मेरा, क्योंकि ये सबसे बड़ी साइड होती है। तो इस केस में जो आपका करेक्शन होगा वो हमेशा कैसा होना चाहिए, नेगेटिव ही होना चाहिए। यानी जब आप करेक्शन ड्यू टू स्लोप कर रहे होगे तो जो भी आपने लेंथ मेजर की है उसको क्या कर रहे होगे, माइनस ही कर रहे होगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन होगा ये क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जामिनेशंस में, अलग अलग एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो जब भी हम करेक्शन निकालते हैं स्लोप की वजह से, तो वो हमेशा कैसा आता है, नेगेटिव ही आता है। ठीक है, क्योंकि हमने हाइपोटेनस को कैलकुलेट किया हुआ है, यानी कि हमने ज्यादा लेंथ को कैलकुलेट किया है। अब उसको सही करना है तो उस लेंथ को हमें क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो एसी आपका क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। अगर हम बात करें किसकी, एबी की, तो एबी कितना है आपका, एबी जो है वो आपका एल के बराबर है। ठीक है, तो ये जो आपका एसी है ये क्या है, ट्रू लेंथ है, ये हमको कैलकुलेट करना है। पर हमने कैलकुलेट कौन सी की हुई है, एबी, ये आपकी मेजर्ड लेंथ है। तो एरर क्या होता है, एरर क्या होता है, एरर होता है आपका मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू क्या है आपकी, एल, और ट्रू वैल्यू क्या है आपकी, माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। तो ये यहां पर एरर होता है। अब यहां पर अगर मैं टेलर एक्सपेंशन सीरीज लगाता हूं और इसको सिंप्लीफाई करता हूं, ये तो आपकी क्या है गई, एक्चुअल एरर हो गई। ठीक है, लेकिन यहां पे अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं और अप्रोक्सीमेट एरर निकालता हूं तो वो आती है आपकी एच स्क्वायर अपॉन 2l के बराबर। एरर किसके बराबर आती है आपकी, एच स्क्वायर अपॉन 2l के बराबर। तो अगर हम यहां पर करेक्शन निकालेंगे तो एरर एंड करेक्शन आर अपोजिट टू इच अदर। तो करेक्शन क्या हो जाएगा आपका, माइनस ऑफ एच स्क्वायर अपॉन 2l। ठीक है, माइनस ऑफ एच स्क्वायर अपॉन 2l, ये आपका करेक्शन होता है इन द केस ऑफ स्लोप। ठीक, एक फॉर्मूला आपका ये हो गया। ठीक है, क्लियर है ये फॉर्मूला। इसको याद कैसे करेंगे, तो हम, अगर मैं सिविल इंजीनियर की बात करूं तो हम यूज करते हैं एक प्लम बॉब, है ना, उसको हिंदी में हम बोलते हैं साहुल। ठीक है, तो ये आपका स्लोप से, सा से आप रखिए स्लोप को, ठीक है, एच से आप याद रखिए किसको, हाइट को, तो एच का स्क्वायर है, और ला से आप याद रखिए एल को। तो साहुल मैंने ऐसे याद किया था, आप जैसे भी चाहे कर सकते हैं, पर इस तरीके से भी आप चाहो तो इसको याद कर सकते हो। इंपॉर्टेंट है, याद हमें करना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है, पहला क्वेश्चन बनता है एरर ड्यू टू स्लोप, या आपसे पूछेगा नहीं, आपसे मैक्सिमम केसेस में क्वेश्चन पूछेगा करेक्शन ड्यू टू स्लोप इज ऑलवेज क्वेश्चन मार्क। तो ऑलवेज क्या होता है, वो पॉजिटिव, ऑलवेज वो नेगेटिव होता है। लेकिन जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, हमेशा क्वेश्चन को ध्यान से पड़ेगा। कभी कभी वो ये भी पूछ लेता है एरर ड्यू टू स्लोप इज, तो एरर हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है, इसीलिए जो करेक्शन होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है। तो ये तो आपका एक फॉर्मूला हो गया। ठीक है, कभी कभी आपको क्या बोलेगा, जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पर हाइपोटेनस और ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल आप बनाओ। तो अगर दूसरा हम यहाँ पर कॉस थीटा लगाएं, कॉस थीटा क्या होता है आपका, कॉस थीटा होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा क्या होता है आपका, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो बेस क्या है आपका, बेस आपका एल है और हाइपोटेनस, बेस आपका एल को, देखिए यहां से हमारा बेस अननोन है ना, बेस ही हमको निकालना है। ठीक है, बेस हमको निकालना है, तो बेस किसके बराबर आ जाएगा, यहां से अगर मैं देखूं तो बेस हो जाएगा मेरा हाइपोटेनस कॉस थीटा, और हाइपोटेनस क्या है आपका एल, तो बेस आपको यहां से मिल जाएगा एल कॉस थीटा। बेस क्या मिल जाएगा आपको, एल कॉस थीटा। तो यहां पे हमने देखिए बेस को लिखा हुआ है एल कॉस थीटा। ठीक, अब मैंने फिर से वही वाला कॉन्सेप्ट लगाया। अगर मैं बात करूं आपके किसकी, एरर की, तो एरर क्या होता है आपका, मेजर्ड वैल्यू यानी कि एल। अगर हम यहां पे एरर निकालेंगे तो एरर क्या हो जाएगा आपका, मेजर्ड वैल्यू यानी कि एल माइनस एल कॉस थीटा। ठीक है, एल माइनस एल कॉस थीटा। अगर हम बात करें करेक्शन की, तो करेक्शन क्या हो जाएगा आपका, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू क्या है आपकी, एल कॉस थीटा, और मेजर्ड वैल्यू क्या है आपकी, एल। यहां से आप एल को ले लीजिए कॉमन, तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस 1, क्या हो जाएगा आपका, कॉस थीटा माइनस 1। लेकिन अगर आप पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये क्या बन जाएगा आपका, 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अगर आप माइनस 1 सामने लेके आना चाहते हो तो पूरे को क्या कर दीजिए आप, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अगर हम बात करें आपका करेक्शन ड्यू टू स्लोप क्या हो जाता है, माइनस ऑफ एल इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये भी कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। क्लियर है, ये हमारी क्या है, ये हमारी ट्रू वैल्यू है, ये क्या है हमारी मेजर्ड वैल्यू, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। इसमें फिर से हमने क्या कर लिया, एल को बाहर निकाल लिया, तो कॉस थीटा माइनस 1। अब अगर हम इसको क्या करना चाहते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा लिखना चाहते हैं, तो पूरे से हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, और एक्चुअल में हमारा करेक्शन भी नेगेटिव होता है, इसलिए हम पूरे को नेगेटिव के रिस्पेक्ट में लिखना चाहते हैं, तो वो क्या हो जाएगा अंदर, 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। तो ये होता है आपका एरर ड्यू टू स्लोप। ठीक है, ये आपका सेकेंड तरीके का करेक्शन ठीक है, या करेक्शन ड्यू टू स्लोप हम बोलते हैं। फिर एक आपका यहाँ पर एक ट्रिक है आपके लिए, कई बार हमको क्वेश्चन में ना स्लोप दे देता है, यानी कि स्लोप आपको दिया रहेगा 1/20 या स्लोप आपको दिया रहेगा 1/30, इस तरीके से आपको स्लोप दे देगा। कई बार तो आपको ये हाइट दे देगा कि जो आपकी हाइट है वो डायरेक्टली क्वेश्चन में कई बार मेंशन रहती है, तो डायरेक्ट फिर आप ये वाला फॉर्मुला लगा सकते हो। ठीक है, आपको लेंथ दी रहेगी और आपको हाइट दी रहेगी, तो आप डायरेक्टली ये वाला क्वेश्चन फॉर्मुला लगा सकते हो। कई बार आपको स्लोप दे देता है, तो स्लोप के केस में आपको यूज करना है L/-2n²। इस फॉर्मुले की मदद से आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, करेक्शन को निकाल सकते हो। ठीक है, तो कभी भी अगर आपको स्लोप दिया है तो इस फॉर्मुले को आप यूज कर सकते हो। ये भी हम एक क्वेश्चन जरूर सॉल्व करेंगे। चलिए, अब जितने भी हैं अब आपके सब छोटे छोटे हैं, है ना। ये शुरू के जो हमारे दो करेक्शंस थे, यही आपके थोड़े से समझने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, बाकी सब आपके छोटे छोटे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका पुल करेक्शन। पुल में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका टेप है, ये आपका टेप है। अब एक तो हो सकता है कि मैंने इस तरीके से इसको पकड़ा हुआ है, तो आप देखिए थोड़ा सा कम खिंचा हुआ है ये, है ना, तो भी इसमें कुछ ना कुछ एरर आ जाएगा। और एक होता है कि मैंने बहुत जोर से इसको खींच दिया, अगर मैंने इसको बहुत जोर से खींच दिया तो ये क्या हो जाएगा, खिंच जाएगा, उसकी वजह से भी एरर आ जाएगी। तो यहाँ पर दो केसेस बनते हैं। ठीक है, एक तो या तो हमने पुल बहुत ज्यादा अप्लाई कर दिया, और सेकंड केस बनता है कि जब हमने पुल को क्या किया, बहुत कम अप्लाई किया। ये दो केसेस यहाँ पर बनते हैं। अब आपकी जो कंपनी है, जो जिसने टेप को बनाया है, तो उसने तो एक स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ पुल को या एक स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ फोर्स को उसने रखा होगा, जिसके हिसाब से उस टेप को डिजाइन किया होगा कि उस कंपनी के हिसाब से एक स्टैंडर्ड वैल्यू होगी कि आप इतना ही पुल अप्लाई करिए। मान लीजिए वो पुल है 80 kg, ठीक है, आप 80 किलो का पुल लगाइए, या हो सकता है इतना ज्यादा नहीं हो तो 10 किलो का आप पुल लगाइए इसमें। ठीक है, आप 10 kg का पुल लगाइए। ठीक, लेकिन सॉरी इसको नीचे लिखेंगे क्योंकि स्टैंडर्ड आपका कितना है, 10 kg का। ठीक, पर आप उस दिन ज्यादा थोड़ा उसमें थे तो आपने 20 kg का लगा दिया, है ना, तो आपने 10 kg यहाँ पर पुल क्या कर लिया, ज्यादा लगा दिया। तो वो जो 10 kg आपने ज्यादा पुल लगाया है, उसकी वजह से जो एरर इंड्यूस होगी उसको हम बोलेंगे एरर ड्यू टू पुल। ठीक है, और हो सकता है कि आपको 10 kg का लगाना था, आपने 5 kg का ही लगाया, तो यहां पर आपने -5 kg कम लगाया, तो उसकी वजह से जो एरर इंड्यूस होगी उसको भी हम क्या बोलेंगे, एरर ड्यू टू पुल। तो यहां पर आपका जो फॉर्मूला होता है पुल करेक्शन को निकालने के लिए, वो होता है आपका PL/A। अब बात आती है PL/A कैसे आया, तो ये हम बेसिकली सोम का फॉर्मूला है जो कि हम यहाँ पर भी यूज करते हैं, जिसमें अगर आपको चेंज इन लेंथ निकालना है, चेंज इन लेंथ ही है ये जो आपका करेक्शन है, चेंज इन लेंथ ही है, उतनी लेंथ आप प्लस कर दोगे या उतनी लेंथ आप माइनस कर दोगे तो आपको करेक्टेड लेंथ मिल जाएगी। तो ये क्या है, आपकी चेंज इन लेंथ है। जैसे मान लीजिए ये जो टेप है ये 20 मीटर का था, आपने इसमें पुल लगाना चाहिए था आपको 10 किलो, आपने पुल लगा दिया इसमें 20 किलो, तो ये टेप जो है थोड़ा सा खिंच जाएगा। मान लीजिए 20.1 का हो गया, तो ये 0.1 मीटर जो है ये इसकी क्या है, चेंज इन लेंथ है, यानी कि डेल एल है। ये डेल एल ही तो हमको कैलकुलेट करना है ना, कितना चेंज इन लेंथ आया इसमें, तो उसके लिए चेंज इन लेंथ अगर हमको निकालना है तो उसके लिए आपका फॉर्मूला होता है PL/A। अब बात आती है कि ये PL/A कैसे आया, है ना, ये आपका जो PL/A है ये किस तरीके से आया। तो PL/A कैसे आया कि आपका जो स्ट्रेस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के। इसका क्या मतलब है कि जितना आप किसी चीज पे लोड लगाओगे या प्रेशर लगाओगे उतना उसमें ज्यादा क्या होगा, एलोंगेशन होगा। तो स्ट्रेस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, ए के। ये जब हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो हमको मिलता है सिग्मा = E। ठीक है, अब जो आपका स्ट्रेस होता है वो क्या होता है, प्रेशर/एरिया। ठीक है, और जो आपका स्ट्रेन होता है वो होता है आपका चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो ये हमको डेल एल यहाँ पर कैलकुलेट करना है, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, आपका डेल एल जो होगा वो हो जाएगा आपका PL/A के बराबर। ठीक है, तो P यहाँ पे क्या होता है, आपका लोड होता है, ठीक है, या आपका पुल होता है, तो वही हमको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। ठीक, तो अब यहाँ पर भी दो केस बनते हैं। अगर आपका जो अप्लाइड प्रेशर है वो ज्यादा है किससे, स्टैंडर्ड प्रेशर से, तो आपका यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये बड़ी होगी। मान लीजिए आपकी 20 है और ये 10 है, तो ये जो टोटल वैल्यू है ये क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। ठीक है, सेकंड केस होता है कि आपका जो ये P अप्लाइड है वो कम है किससे, P स्टैंडर्ड से। ये वैल्यू आपकी 5 है और ये आपकी वैल्यू 10 है, तो 5 में से जब आप 10 माइनस करेंगे तो आपका जो वैल्यू आएगी वो किसमें आएगी, नेगेटिव आएगी, तो करेक्शन आपका नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो दो केसेस यहाँ पर क्या बनते हैं कि अगर आपका जो अप्लाइड पुल है वो स्टैंडर्ड पुल से ज्यादा है तो करेक्शन आपका पॉजिटिव होगा। अगर जो आपका अप्लाइड पुल है वो स्टैंडर्ड पुल से कम है तो करेक्शन आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो अगर आपका करेक्शन पॉजिटिव होगा तो एरर क्या हो जाएगी, आपकी नेगेटिव हो जाएगी। तो सिंपल है, ठीक है, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है जी। ई आपका यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है। ठीक है, ई क्या होता है, आपका यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, यूनिट क्या हो जाएगी ई की, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, बेसिकली हम किसमें नोट करते हैं, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में करते हैं। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर को ही हम क्या बोलते हैं, एमपीए बोलते हैं। ठीक है, 10³ एमपीए आपका किसके बराबर होता है, जीपीए के बराबर होता है। पर लेकिन अगर हम ऐसा यूनिट की बात करें तो वो क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। ठीक है, और ये भी जो आप अप्लाई करोगे किसमें अप्लाई करोगे, लोड भी न्यूटन में अप्लाई करोगे। आंसर किसमें आता है आपका, आंसर वैसे तो हम अब वो आपके वैल्यूज पे डिपेंड करता है, लेंथ और एरिया को आप किस यूनिट पे रख रहे हो तो उसी यूनिट पे आता है, कोशिश हम करते हैं एमएम में आए। ठीक है, तो ये आपका थर्ड करेक्शन हो गया। ठीक है, तो 3 करेक्शन की हमने बात कर ली, पहला हमारा स्टैंडर्डाइजेशन करेक्शन, दूसरा हमारा स्लोप करेक्शन और तीसरा हमारा पुल करेक्शन। ठीक है, तो अगर हम बात करें आपके स्टैंडर्डाइजेशन करेक्शन के बारे में तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपका टेप बड़ा है कि छोटा है। सेकंड अगर हम बात करें स्लोप करेक्शन के बारे में तो वो हमेशा कैसा होता है, नेगेटिव ही होता है। थर्ड हम बात करें पुल करेक्शन के बारे में तो इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ पुल जो हमने अप्लाई किया है। अगर ज्यादा अप्लाई कर दिया है तो करेक्शन आपका पॉजिटिव होगा और अगर हमने कम अप्लाई कर दिया है तो करेक्शन आपका नेगेटिव होगा। ठीक है, देखिए अगर आपने ज्यादा पुल अप्लाई कर दिया तो क्या होगा कि टेप की लेंथ आपकी इंक्रीज हो जाएगी, टेप की लेंथ अगर आपकी इंक्रीज हो जाती है तो करेक्शन क्या होता है आपका पॉजिटिव होता है, जो कि हमने अभी समझा था। अगर आपने कम इसमें पुल लगाया तो टेप क्या होगा, उतना ज्यादा खींचेगा नहीं जितना उसको खींचना चाहिए, जब वो 20 मीटर का हो जाए या 30 मीटर का हो जाए तो वो कम खींचा होगा, तो यहां पर आपके टेप की लेंथ क्या हो गई, कम हो गई, तो करेक्शन क्या हो गया आपका नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो बेसिकली यही कॉन्सेप्ट है हमारे, घुमा फिरा के हम वही सब जगह कर रहे हैं, है ना। एक आपने अगर स्टैंडर्डाइजेशन समझ लिया तो बाकी सारे उससे इंटरलिंक्ड ही होते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका टेम्परेचर करेक्शन। टेम्परेचर करेक्शन क्या होता है, टेम्परेचर करेक्शन का मतलब होता है कि टेम्परेचर के वेरिएशन की वजह से आपके टेप के या चेन के, टेप के बेसिकली चेन में तो नहीं आता है, टेप के लेंथ में जो भी चेंजेस आ रहे हैं दैट इज नोन एज द टेम्परेचर करेक्शन। तो बेसिकली इसका फॉर्मुला सीधे सीधे अगर हम बात करें तो क्या होता है, एल अल्फा डेल टी। अगर हमको एलोंगेशन कैलकुलेट करना होता है ड्यू टू टेम्परेचर तो वो किसके बराबर होता है आपका, एल अल्फा डेल टी के बराबर होता है। ठीक है, अगर हम बात करें अल्फा की तो अल्फा होता है आपका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। अगर हम बात करें डेल टी की तो वो होता है आपका चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, और लेंथ आपकी होती है, एल क्या होती है, लेंथ होती है। अब यहां पे भी सेम फंडा है, एक होता है आपका टीएम और एक होता है आपका टीएस। ठीक है, या आप इसको टीए और टीएस से भी समझ सकते हो। टीएम यानी कि आपने एक्चुअल में वहां पे जो टेम्परेचर है, ठीक है, एक्चुअल में वहां पे जो टेम्परेचर है, मान लीजिए 50 डिग्री पे आप काम कर रहे हैं, पर टेप जब डिजाइन किया गया होगा तो वो किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के वहां पे उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को यूज करके उस टेप को डिजाइन किया होगा या उस पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए टेप को डिजाइन किया होगा। मान लीजिए वो पर्टिकुलर टेम्परेचर है आपका 27 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डिजाइन हुआ था कितने के लिए, 27 के लिए आप काम कर रहे हो 50 डिग्री सेल्सियस पे, तो यहाँ पे जो आपका एक्चुअल टेम्परेचर है वो किससे ज्यादा है, आपके स्टैंडर्ड टेम्परेचर से ज्यादा है। तो आप मुझे खुद बताइए, अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो टेप की लेंथ क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। अगर कोई चीज को हम गर्म करते हैं तो वो क्या होता है, एलोंगेट होता है, तो टेप भी एलोंगेट हो जाएगा। टेप की लेंथ इंक्रीज हो गई, लेंथ इंक्रीज हो गई तो आपका करेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सेम केस है, अगर आपका टेम्परेचर स्टैंडर्ड टेम्परेचर से ज्यादा है तो करेक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। हो सकता है कि आप ठंडी में काम कर रहे हो, ठीक है, 10 डिग्री सेल्सियस पे, 5 डिग्री सेल्सियस पे या 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो अब यहाँ पर जब कोई ठंडी होती है तो सिकुड़ जाती हैं चीजें, टेप भी सिकुड़ जाएगा, तो लेंथ क्या हो गई, कम हो गई। अगर लेंथ कम हो गई तो करेक्शन क्या होता है हमेशा, जब लेंथ कम हो जाती है तो करेक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, यहां तक क्लियर है क्यों पॉजिटिव और क्यों नेगेटिव होगा। तो ये भी आपका तो सॉरी पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, आपका जो टेम्परेचर की वजह से करेक्शन होता है वो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। पुल भी आपका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द पुल। ठीक है, वो पुल पे डिपेंड करता है कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। स्लोप हमेशा नेगेटिव होगा और आपका स्टैंडर्डाइजेशन भी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। नेक्स्ट आता है आपका करेक्शन फॉर सैग। सैग करेक्शन का क्या मतलब है कि कई बार जब हम बहुत लंबा टेप होता है हमारा तो जब हम मेजर कर रहे होते हैं तो टेप इस तरीके से हो जाता है। ठीक है, हम कितनी भी कोशिश करें क्योंकि आपकी ग्रेविटी तो हमेशा नीचे की तरफ होती है किसी भी सामान, तो टेप जो होता है आपका कुछ इस तरीके से हो जाता है। है ना। अगर टेप हमारा इस तरीके से हो जाएगा तो टेप अगर हमारा इस तरीके से हो जाएगा तो ये जो डिस्टेंस होगा ये तो कम होगा, है ना, पर हमने रिपोर्ट कितना कर दिया होगा, ज्यादा कर दिया होगा। देखिए अगर हम ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, ये आपका ट्रू लेंथ था पर हमने इस तरीके से उसको मेजर किया, तो ये जो कर्व होगा ये तो ज्यादा हो जाएगा और एक्चुअल में लेंथ कम होगी, तो यानी हमारा यहाँ पे करेक्शन ऑलवेज क्या होगा, नेगेटिव ही होगा, क्योंकि हमने ज्यादा लेंथ को रिपोर्ट कर दिया होगा। क्या किया होगा, हमने ज्यादा लेंथ को रिपोर्ट कर दिया होगा, तो करेक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव। तो सैग करेक्शन भी हमेशा क्या होता है, आपका नेगेटिव होता है। सीधा सीधा अगर हम फॉर्मूले की बात करें, ठीक है, फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो होता है आपका माइनस ऑफ डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन माइनस ऑफ डब्ल्यू स्क्वायर एल क्यूब अपॉन 24 पी स्क्वायर। W होता है आपका यूनिट वेट ऑफ द टेप, ठीक है, यूनिट वेट ऑफ द टेप यानी टेप पर यूनिट लेंथ। अगर आपको टेप पर यूनिट लेंथ के हिसाब से दिया है तो ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे W स्क्वायर L क्यूब अपॉन 24 P स्क्वायर। अगर आपको टोटल वेट दिया है टेप का, ठीक है, लेंथ के हिसाब से नहीं, पूरे के पूरे टेप का वेट दे दिया, यानी W इंटू एल दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप W इंटू एल यहाँ पर देखेंगे तो W इंटू एल का होल स्क्वायर हो जाएगा ये इंटू एल, और W इंटू एल को आप क्या लिख रहे हो, कैपिटल W लिख रहे हो, ये हो जाएगा आपका W स्क्वायर L अपॉन 24 P स्क्वायर। ये आपका करेक्शन होता है फॉर सैग विच इज ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि सैग की वजह से जो आपने एरर आई होगी आपकी, वो हमेशा क्या आई सी आई होगी, पॉजिटिव आई होगी, तो करेक्शन हमेशा हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, करेक्शन ड्यू टू सैग। फिर इसके बाद आता है आपका मीन सी लेवल करेक्शन, जो कि होता है आपका माइनस ऑफ LH अपॉन 2R, ठीक है, माइनस ऑफ LH अपॉन 2R। एल हो जाती है लेंथ, H आपकी हाइट और R आपका हो जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो कि होता है किसका, अर्थ का, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, और H क्या हो जाएगी आपकी हाइट। तो ये आपके टोटल करेक्शन हो गया। और लास्ट होता है आपका मिस अलाइनमेंट करेक्शन, ठीक है। इसको याद करने की टिक क्या होती है, जो आपकी C होती है उसमें क्या आती है, हमेशा लहर आती है ना, तो LH अपॉन R तो लहर ही बन रहा है लगभग लगभग, ठीक है। तो इसको ऐसे भी आप याद रख सकते हो, LH अपॉन R क्या हो जाएगा आपका, लहर, ठीक है। खैर ये नहीं पूछा जाता और ये भी हमेशा कैसा होता है, नेगेटिव ही होता है। देन होता है आपका मिस अलाइनमेंट करेक्शन। मिस अलाइनमेंट का क्या मतलब है, मिस अलाइनमेंट का मतलब है कि आप इस तरीके से A से जा रहे थे, A पॉइंट से आप B पॉइंट पर गए, ठीक है, B से आप यहाँ पर C पे चले गए और C से आप यहाँ पर D पे चले गए, तो ये आपने क्या कर दिया, गलत नाप दिया इतना, है ना, इस तरीके से आप मिस अलाइन हो गए। आपको यहाँ पे सीधे जाना चाहिए था, आप इस तरीके से चले गए, है ना, हमें नहीं पता चला और हम इस तरीके से चले गए, तो ये जो लेंथ है आपने वो ज्यादा नाप दी, ठीक है। तो अगर हम इस लेंथ को निकालें तो ये क्या है आपका, हाइपोटेनस है, और ये क्या है आपका, बेस है, ठीक है। तो आपकी ट्रू वैल्यू क्या होगी, ये वाला बेस प्लस ये वाला बेस, तो अगर हम इसको पॉइंट का नाम दे दें, ये आपका बी है, ये मान लीजिए डी है और ये आपका ई है, तो बी डी प्लस डी होना चाहिए था, पर हमने क्या कर दिया, बी ए प्लस ए ई कर दिया, तो हमको ये वाली लेंथ चाहिए। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, यहाँ पे भी बेस निकाल लेंगे, जो कि आएगा L1 का स्क्वायर माइनस H स्क्वायर। तो ट्रू वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, L1 का स्क्वायर माइनस H स्क्वायर प्लस L1 का स्क्वायर माइनस H स्क्वायर, और मेजर्ड वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ। तो ट्रू वैल्यू से मेजर्ड वैल्यू को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, करेक्शन मिल जाएगा, ठीक है। ये भी खैर इतना नहीं पूछा जाता है। अब कुछ नोट पॉइंट है आपके। सबसे पहली बात, स्लोप करेक्शन, सैग करेक्शन और जो आपका मीन सी लेवल करेक्शन, ठीक है, स्लोप करेक्शन, सैग करेक्शन और जो आपका मीन सी लेवल करेक्शन है, ये हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इसको आप याद रखिए MMS से, ठीक है, MMS से। तो MMS हमेशा क्या होगा आपका, नेगेटिव होगा। M से क्या हो गया आपका, M से हो गया आपका मीन सी लेवल करेक्शन, ठीक है, और सॉरी MSS से याद रखिए, सॉरी MMS से नहीं, इसको आप SMS से याद रखिए, इसको आप SMS से याद रखिए, ठीक है। S से हो गया आपका स्लोप करेक्शन, M से हो गया आपका मीन सी लेवल करेक्शन और सिर्फ S से हो गया आपका सैग करेक्शन, ठीक। तो ये तीनों करेक्शन जो होते हैं ये हमेशा कैसे होते हैं, नेगेटिव ही होते हैं, और यही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पूरे चैप्टर का, ठीक है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाता है कि कौन सा पॉजिटिव होता है, कौन सा नेगेटिव होता है। SMS याद रखेंगे आप, हर क्वेश्चन यहाँ से जो बनता है एरर से रिलेटेड सारे बना लोगे, ठीक है, सिर्फ एक ही है शॉर्ट ट्रिक से, ठीक। बाकी जो आपका स्टैंडर्डाइजेशन करेक्शन होता है, पुल करेक्शन होता है, टेम्परेचर करेक्शन होता है और मिस अलाइनमेंट करेक्शन होता है, ये आपका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, ठीक है, ये आपके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। तो अगर आपका जो है वो अगर पॉजिटिव है तो एरर जो है वो आपका नेगेटिव होगा। तो ये पॉइंट भी याद रखेंगे। कई बार क्वेश्चन में हमसे क्या पूछता है, करेक्शन, हमसे एरर पूछता है और हम करेक्शन बता देते हैं, तो वो गलती हमको यहाँ पर नहीं करनी है। ठीक है, तो ये आपकी पूरी हो जाती है यहाँ पर सेकंड यूनिट। अब हमको बात करनी है कुछ क्वेश्चंस की। ठीक है, तो यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, बेसिकली आपको जो करेक्शंस हैं उनके कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, बस इतना याद रखना है। ठीक है, और अगर फॉर्मूले याद रख सकते हैं तो भी बहुत अच्छा है। बस इतना ही यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, द सैग करेक्शन अप्लाइड ड्यूरिंग चेनिंग, जो सैग करेक्शन हम अप्लाई करते हैं चेनिंग के टाइम पे वो कैसा होता है। तो आप देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो देख सकते हैं आप कम से कम ये 20 से 22 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो आप बताइए इसका आंसर मुझे। सैग करेक्शन अप्लाइड ड्यूरिंग चेनिंग, जो हम सैग करेक्शन अप्लाई करते हैं चेनिंग के टाइम पे वो कैसा होता है। ठीक है, इन चेनिंग सर्विंग वर्क ऑफ ट्रावर्स इट इज नेसेसरी टू अप्लाई द करेक्शन ड्यू टू सैग फॉर द टेप द करेक्शन इज। जब हम कोई भी चेन सर्विंग कर रहे होते हैं तो सैग की वजह से जो एरर आता है वो कैसा होता है, तो वो कैसा होता है, हमेशा नेगेटिव। तो इट इज ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, द टेप ऑफ लेंथ L एंड वेट W kg पर मीटर इज सस्पेंडेड टू इट्स एंड एंड पुल P kg द सैग करेक्शन इज। तो यहाँ पर आपका जो सैग करेक्शन होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, P सैग, C सैग जो होगा आपका, उसका फॉर्मूला क्या होगा। देखिए अब यहाँ पर आप देखिए वेट जो है वो आपको kg मीटर पे दिया हुआ है ना, यानी टोटल वेट आपको नहीं दिया हुआ है, यूनिट वेट दिया हुआ है। तो इसके लिए फॉर्मूला होगा आपका W स्क्वायर L क्यूब अपॉन 24P स्क्वायर। ठीक है, और यहीं पे अगर आपको सिर्फ केजी दिया होता तो फॉर्मूला क्या हो जाता आपका यहाँ पर, W इंटू एल अपॉन 24P स्क्वायर। ठीक है, तो जब आपको यूनिट वेट दिया है तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, और ये जब आपको टोटल वेट दिया है तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा आपका, W स्क्वायर L क्यूब अपॉन 24P स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्लोप करेक्शन। ठीक है, स्लोप करेक्शन फॉर लेंथ ऑफ 30 मीटर अलोंग अ ग्रेडियंट ऑफ 1/20। तो यहां पर आपको स्लोप दिया है 1/20। ठीक है, और आपको लेंथ दी हुई है कितने की, 30 मीटर की। ठीक, तो मैंने आपको क्या बताया था फॉर्मूला, जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन दिया है जहां पे स्लोप दिया है तो आपको फॉर्मूला यूज करना है माइनस ऑफ एल स्क्वायर अपॉन 2n। देखिए माइनस ऑफ एल अपॉन 2n स्क्वायर। ठीक है, तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, लेंथ कितनी है आपके क्वेश्चन में, 30 मीटर। ठीक है, अगर हम स्लोप की बात करें तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 20 का स्क्वायर, यानी कि 30/800। 30/800 आपको कितना आएगा, 0.0375। ठीक है, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 100 से तो ये हो जाएगा मेरा 3.75 सेंटीमीटर। बिल्कुल सही आकाश, आपका आंसर बिल्कुल सही है, 3.75 सेंटीमीटर। ठीक है, बाकी आप इसमें स्लोप की मदद से पहले आप एच भी कैलकुलेट कर सकते हो, पर वो क्या हो जाएगी आपकी लंबी अप्रोच हो जाएगी। तो इस तरीके से अगर आप सॉल्व करते हो तो डायरेक्टली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट बताइए, Which of the following type of chain consist of 60 links? ऐसी कौन सी चेन होती है जिसमें आपकी 16 लिंक होती है और जो हर लिंक होती है वो 2 इंटू 1/16 फीट लॉन्ग होती है। तो ऐसी कौन सी चेन होती है आपकी। ये आपको यहां पर बताना है। ठीक है, हाँ, और ये भी आपको पहले तो आपको ये बताना है कि कौन सी चेन। ठीक है, वैसे वो लिखा ही चेन होती है आपकी। टोटल लेंथ कितनी होती है ये आपको यहां पर बताना है। हंड्रेड फीट, 36 फीट, 33 फीट या 66 फीट। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही होगा। जो आपकी रेवेन्यू चेन होती है वो 33 फीट की होती है। अगर हम मीटर में बात करें तो मीटर में क्या होती है। उसके अलावा अगर हम बात करें गंटर चेन की तो गंटर चेन आपकी 66 फीट की होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सर्वेयर चेन भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, गंटर चेन को ही हम क्या बोलते हैं, सर्वेयर चेन भी बोलते हैं। देन आपके पास होती है इंजीनियर्स चेन जो कि 100 फीट की होती है। और लास्टली हमारे पास होती है मैट्रिक चेन जो कि दो वेरिएंट में होती है, या तो 20 मीटर के या फिर 30 मीटर के। जो 20 मीटर वेरिएंट होता है उसमें जो टॉलरेंस होता है वो ±5 mm होता है, और 30 मीटर में जो टॉलरेंस होता है वो ±8 mm होता है। बिल्कुल सही। आपका अगर हम बात करें मीटर में तो ये कितनी हो जाएगी, 10 मीटर। गंटर चेन आपकी हो जाती है 20 मीटर की और इंजीनियर चेन हो जाती है आपकी 30 मीटर की। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 33 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ इंजीनियर्स चेन। तो इंजीनियर्स चेन की लेंथ आपको बतानी है। देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है। दस बार ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है। कि जो आपकी इंजीनियर्स चेन होती है उसकी लेंथ यहां पर आपको बताना है। बिल्कुल सही आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही होगा। इंजीनियर्स चेन आपकी 100 फीट की होती है। देन आपसे पूछा लेंथ ऑफ गंटर्स चेन, जिसको हम सर्वेयर चेन के नाम से भी जानते हैं, वो कितने फीट की होती है। तो अभी हमने डिस्कस किया वो 66 फीट की होती है। चलिए बताइए मैक्सिमम टॉलरेंस जो होता है 20 मीटर चेन में वो कितना होता है। मैक्सिमम टॉलरेंस इन 20 मीटर चेन जी 100 फीट बिल्कुल सही है। मैक्सिमम टॉलरेंस इन 20 मीटर चेन इज, टॉलरेंस कितना होता है यानी कितना जो एरर है वो परमिसेबल होती है जब हम 20 मीटर चेन की बात करते हैं। जी बिल्कुल सही, राघवेंद्र आशीष बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर सी। और अगर हम 30 मीटर की बात करते हैं तो कितना होता है। 20 मीटर के लिए आपका कितना होता है और 30 मीटर के लिए कितना होता है। ये 30 मीटर के लिए आपका ±8 होता है। ठीक है, 30 मीटर के लिए ±8 mm होता है। टोटल नंबर ऑफ लिंक्स इन 30 मीटर चेन, तो 30 मीटर की जो चेन होती है उसमें कितनी लिंक्स होती हैं ये बताना है हमें। थर्टी मीटर की जो चेन होती है उसमें कितनी लिंक होती है, और 20 मीटर की भी बताइएगा साथ में मुझे। जी 30 मीटर में आपकी 150 लिंक्स होती हैं। ठीक है, और 20 मीटर में आपकी 100 लिंक्स होती हैं। अगर हम ईच लिंक की बात करें, एक लिंक कितने मीटर की होती है वो भी बताइएगा। एक लिंक आपकी 0.2 मीटर की होती है दोनों में। ठीक है, चलिए द स्केल इन विच थ्री सक्सेसिव डायमेंशन कैन बी मेजर्ड एट अ टाइम। तो ऐसी कौन सी स्केल होती है, ये हम पहले भी फंडामेंटल्स ऑफ सर्वे में डिस्कस कर चुके हैं। ऐसी कौन सी स्केल होती है जिसमें हम एक साथ 3 यूनिट्स को मेजर कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन काफी बार आपका रिपीट हुआ है। कौन सी स्केल होती है आपकी, डायगोनल स्केल। ठीक है, इस तरीके से आपकी वैसे डायगोनल स्केल होती है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, एक साथ आपकी 3 यूनिट्स को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो काफी पूछा जाता है क्वेश्चन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टेप इज लीस्ट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर चेंजेस एंड इज हाईली प्रिसाइज। इसमें से ऐसा कौन सा टेप होता है जिसमें टेम्परेचर की वजह से वेरिएशन सबसे कम आता है और काफी ज्यादा क्या होता है, वो प्रिसाइज होता है, यानी कि उससे अगर हम मेजरमेंट्स करते हैं तो वो काफी ज्यादा एक्यूरेट होती है। तो ऐसी कौन सी आपकी, ऐसा कौन सा आपका टेप होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। जी बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी, इन्वर्ट टेप। ठीक है, इन्वर्ट टेप की अगर हम बात करें तो ये किसका किसका अलॉय होता है आपका, अलॉय ऑफ निकल प्लस स्टील। निकल यहाँ पर आपका 36% होता है और स्टील आपका यहाँ पर 64% होता है। ठीक है, और इसका जो अल्फा होता है यानी कि कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, वो काफी लो होता है, इसलिए जो आपका इन्वर्ट टेप होता है वो सबसे ज्यादा प्रिसाइज होता है और सबसे ज्यादा आपका एक्यूरेट होता है। तो आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि इन्वर्ट टेप किससे बना होता है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया इन्वर्ट टेप किससे बना होता है। बिल्कुल सही, निकल प्लस स्टील, ऑप्शन नंबर डी, राइट। टोटल नंबर ऑफ लिंक्स इन 30 मीटर चेन इज, जो टोटल नंबर ऑफ लिंक्स होती हैं 30 मीटर चेन में, तो फिर से हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं, 30 मीटर में आपकी 150 लिंक्स होती है। चलिए इस क्वेश्चन को आपको करना है। द लेंथ ऑफ द लाइन मेजर्ड विद 20 मीटर चेन वाज फाउंड टू बी 250 मीटर। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर जो आपके लेंथ ऑफ द लाइन जो कि हमने मेजर किया है 20 मीटर चेन से, वो कितनी है, 250 मीटर है, यानी आपका जो मेजर डिस्टेंस है वो कितना है, 250 मीटर है। ठीक है, कैलकुलेट द ट्रू लेंथ, यहाँ पर हमको ट्रू डिस्टेंस या ट्रू लेंथ कैलकुलेट करना है। अगर आपका जो टेप है वो 10 सेंटीमीटर टू लॉन्ग है, यानी कि वो कितने का है, जो हम अगर बात करें ट्रू लेंथ ऑफ द टेप की अगर हम बात करें, वो कितने का हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है वो, दैट मीन्स वो कितने का हो गया, 20.1 मीटर का हो गया। एक्चुअल में कितना होना चाहिए था, 20 का होना चाहिए था, नॉमिनल लेंथ उसकी 20 होना चाहिए था, पर वो कितनी हो गई, 20.1 मीटर हो गई। तो ये आपको सॉल्व करना है। ट्रू लेंथ यहाँ पर हमको कैलकुलेट करना है, वो जाएगा आपका मेजर्ड लेंथ इंटू एक्चुअल लेंथ ऑफ टेप डिवाइडेड बाय नॉमिनल लेंथ ऑफ टेप। मेजर्ड लेंथ हमारी कितनी है, मेजर लेंथ आपकी 250 है। ठीक है, 250 इंटू 20.1 डिवाइड बाई 20। खैर इसमें अपन को बिना इसके भी अपन सॉल्व कर सकते थे इसको। ठीक है, इसमें आपको कैलकुलेटर की जरूरत नहीं थी। क्यों नहीं थी, क्योंकि हमने अभी देखा कि जो आपकी ट्रू लेंथ है वो कितनी है, 250 मीटर है। ठीक, या और आपका जो टेप है वो क्या है, टू लॉन्ग है, टेप लॉन्ग है, यानी लेंथ क्या है आपकी, पॉजिटिव है, या आप बोल सकते हो टेप क्या है, लॉन्ग है। ठीक है, टेप आपका क्या है, लॉन्ग है, तो करेक्शन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो सीधा हो गया। करेक्शन के बाद आपकी जो ट्रू लेंथ है वो कम हो जा रही है। कम कैसे हो जाएगी, है ना। अब इन दो केस में आप देखिए ये वाली जो वैल्यू है इसमें तो डबल ही हो जा रहा है। हमारी जब एरर इतनी छोटी सी है तो आप खुद बताइए कि करेक्शन इतना ज्यादा हो सकता है, करेक्शन मतलब ट्रू लेंथ इतनी ज्यादा हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। ये तो तब होता जब आप 10-20 मीटर के टेप को 10 मीटर का समझ कर नाप दें, तब आपकी ये वाली एरर आएगी। इतनी ज्यादा एरर तो हो ही नहीं सकती। तो अगर आप पेन और पेपर नहीं भी उठा के सॉल्व करना चाहते तो इस ऑप्शन को लगा सकते थे, ऑप्शन नंबर सी 251.25। ठीक है, तो डायरेक्टली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है आपका गंटर चेन। गंटर चेन की लेंथ क्या होती है ये आपको बताना है, लेंथ ऑफ गंटर चेन। अब ये आपको मीटर में बताना है। लेंथ ऑफ गंटर चेन इन मीटर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही होगा 20.12। क्या करेंगे हम, 66 फीट को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.308 से, तो आंसर हमें कितना मिलेगा 20.12। और ज्यादातर केसेस में आपको सीधे सीधे 20 मीटर ही दे देता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर 20.1। विच ऑफ द फॉलोइंग चेन इज 100 फीट लॉन्ग एंड कंसिस्ट ऑफ 100 लिंक्स ऑफ 1 फीट। तो इसमें से ऐसी कौन सी चेन होती है जो कि आपकी 100 फीट लॉन्ग होती है और जो हर लिंक होती है वो कितने की होती है आपकी, ईच लिंक इज ऑफ 1 फीट। मैट्रिक चेन, रेवेन्यू चेन, गंटर्स चेन या फिर इंजीनियर्स चेन। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। एज पर इंडियन स्टैंडर्ड, द लेंथ ऑफ 1 लिंक। अब यहां पर देखिए आपको एक लिंक की जो लेंथ होती है वो क्या होती है ये बताना है। एक लिंक की जो आपकी लेंथ होती है वो आपको यहाँ पर बताना है। एज पर आईएस इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको लेंथ को यहाँ पर बताना है। क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही होगा। ठीक है, इसके बाद हमने डिस्कस किया था टैलीज के बारे में। तो कितने मीटर के बाद, जैसे आपके जो हैंडल होता है, मैं आपको इमेज ही दिखा देता हूं। ये जो टैलीज होती हैं ये कितने मीटर के बाद प्रोवाइड की जाती हैं क्या आपको यहाँ पर बताना है। बिल्कुल सही, टैलीज जो है वो आप हर 5 मीटर पर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इस तरीके से। The longest chain line passing through the center of the area, जो आपके पूरे एरिया की लॉन्गेस्ट लाइन होती है जब आप सर्वेइंग कर रहे होते हो। ठीक है, आप जब सर्वेइंग कर रहे होते हो, चेन सर्विंग जब आप कर रहे होते हो, तो जो लॉन्गेस्ट लाइन पूरे एरिया से पास कर रही होती है उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, बेस लाइन, चेक लाइन, टाई लाइन या फिर सारी। ऑप्शन नंबर ए बेसलाइन बिल्कुल सही, तो हम बोलते हैं बेसलाइन। ठीक है, चेक लाइन, अगर हमको किसी भी काम की एक्यूरेसी को चेक करना है तो उनके लिए हम चेक लाइंस बना सकते हैं। ठीक है, देन अगर मैं टाई लाइन बात करूं तो किसी भी इंफॉर्मेशन के बारे में जब किसी भी अंदर के ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन को गैदर करना होता है, तो फिर मैं मेन सर्वे लाइन से एक लाइन बनाता हूँ जिसको मैं क्या बोलता हूँ, टाई लाइन। विच टाइप ऑफ सर्विंग इक्विपमेंट इज शोन इन द फिगर, ये कौन सा इक्विपमेंट है ये आपको बताना है यहाँ पर। ये इक्विपमेंट है, ये आपका कौन सा इक्विपमेंट है ये बताना है हमें यहाँ पर। जी बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी, ये क्या है आपका पैग है। विच टाइप ऑफ टेप इज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ बेस लाइन, अगर हमको बेस लाइन को मेजर करना है तो हम कौन सा टेप यूज करना प्रेफर करेंगे। ठीक है, टेप तो आप सारे यूज कर सकते हो, मेटेलिक भी कर सकते हो, स्टील भी कर सकते हो, लिनन भी कर सकते हो और इनवर भी कर सकते हो, पर अगर आपके हाथ में है कोई एक पर्टिकुलर टेप को यूज करना तो आप कौन से टेप को प्रेफर करोगे वो यहां पर पूछा जा रहा है। जी बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी, इनवर्ट टेप को आप प्रेफर करोगे अगर आपके पास ऑप्शन है तो, क्योंकि जैसे ही हम डिस्कस कर चुके हैं इसका जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन होता है वो काफी कम होता है। चलिए, द मैक्सिमम एरर ऑन द ड्राइंग, जो हम मैक्सिमम एरर कर सकते हैं किसी भी ड्राइंग में वो किस वैल्यू से बड़ी नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुआ है, ठीक है, इसमें तो आपको एक ही बार दिख रहा होगा पर काफी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, जो हम मैक्सिमम एरर करते हैं वो किस वैल्यू से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी 0.25 mm, और इसको आप कैसे लिख सकते हो, 2.5 × 10³ मीटर भी आप इसको बोल सकते हो। चलिए फिर से उसी तरीके का क्वेश्चन है। देखिए अब ये वाले क्वेश्चन में भी दो ऑप्शन आपके क्या हैं, यहां पे आप एक ही चीज देख के बता सकते हो कि आपका टेप क्या है, लॉन्ग था। ठीक है, टेप लॉन्ग था तो करेक्शन क्या है आपकी, पॉजिटिव होगी। ठीक है, देखिए इसमें क्या क्या क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है आपको, ट्रू लेंथ आपको दी है 200 मीटर। ठीक, व्हेन द मेजर्ड विद 20 मीटर लॉन्ग टेप द लेंथ वाज फाउंड टू बी, तो यहाँ पे जो आपको मेजर्ड लेंथ दी है वो कितनी दी है, 200.8। अब आपको करेक्ट लेंथ ऑफ द टेप बताना है। ठीक है, तो आपको पता है ट्रू लेंथ इंटू नॉमिनल लेंथ ऑफ टेप इक्वल्स टू मेजर्ड लेंथ इंटू ट्रू लेंथ ऑफ टेप। ठीक, ट्रू लेंथ आपको यहां पर कितनी दी है 200, नॉमिनल लेंथ कितनी दी है 20 मीटर, मेजर्ड लेंथ कितनी है आपकी 200.8, और आपको यहां पे ट्रू लेंथ ऑफ द टेप को कैलकुलेट करना है। तो ये हो जाएगा आपका 200 × 20 / 200.8। तो आपको पता है 20 से वैल्यू क्या होगी, कमी होगी, ये दो ऑप्शन तो नहीं होंगे।19.92 मीटर, ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही होगा। ठीक है, तो कोई भी चीज अगर अननोन है तो इस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डिग्री ऑफ fineness and care with any physical measurement is made is known as, या degree of perfection used in the instrument method and observation is termed as। तो जो आपकी degree of fineness है या जो आपका degree of perfection है उसको हम क्या बोलेंगे, ये आपको यहां पर बताना है। ये जैसे कि आपको पता है कि अगर हम किसी भी चीज को बहुत अच्छे से कर रहे हैं, परफेक्टली कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्यूरेसी। और अगर जो वैल्यूज हैं वो आपकी पास पास हैं तो उसको हम क्या प्रिसीजन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा यहाँ पर सही होगा। डायरेक्ट मेथड फॉर मेजरिंग स्लोपिंग डिस्टेंस इन सर्विंग इज ऑल्सो नोन एज। तो ये जो आपका मेथड होता है जिसमें आप स्लोपिंग डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हो, तो दो मेथड हमने यहाँ पर डिस्कस किए थे। ऑप्शन नंबर ए पिछले वाले क्वेश्चन में आपका सही होगा। ठीक है, यहाँ पे प्रिसीजन का मतलब होता है कि आप जो वैल्यूज को परफॉर्म कर रहे हो वो आपस में कितने पास पास हैं। यहाँ पर आपकी वैल्यूज के मतलब उसके बारे में कोई बात ही नहीं हो रही, यहाँ पर बात हो रही है कि एक्चुअल वैल्यू जो है उसके कितना पास हो, आप कितने परफेक्टली आप उस काम को कर पा रहे हो। ठीक है, कितने फाइननेस, कितने डिग्री ऑफ फाइननेस के साथ उस काम को कर पा रहे हो, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा आपका एक्यूरेसी होगी। ठीक है, कितना आपका परफेक्शन अच्छा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। इस मेथड की अगर हम बात करें तो आपका जो डायरेक्ट मेथड स्लोपिंग राउंड में आपका जो मेथड था सर्वेइंग का, वो दो मेथड थे। ठीक है, एक हम एबने लेवल यूज करते थे और एक हम स्टेपिंग यूज कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। चलिए, अब मुझे बताइए यहाँ पर ये जो आपको ट्राइंगल इंटीरियर एंगल्स दिए हैं इसमें से कौन सा आपका इल कंडीशन है। आपको यहाँ पर बताना है इल कंडीशन। इल कंडीशन का क्या मतलब होता है? जब आपका जो साइड है वो 30 से कम हो या फिर 120 से ज्यादा हो। तो कौन सा ऐसा ट्राइंगल है जिसमें साइड 30 से कम या 120 से ज्यादा है? एक तो ये हो गया आपका और एक ये हो गया। ऑप्शन नंबर क्यू एंड एस। तो बोथ क्यू एंड एस इज इल कंडीशन। ठीक है, तो बिल्कुल सही आंसर है आपका आशीष, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए, बोथ क्यू एंड एस। चलिए, व्हाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ लाइन द एरर ड्यू टू सैग। सैग की वजह से जो आपका एरर होता है वो कैसा होता है, ये हमको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। सैग हमेशा कैसा होता है? नेगेटिव होता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द करेक्शन फॉर टेम्परेचर फॉर टेप लेंथ एल इफ द इंक्रीज इन टेम्परेचर इज टी अबव द स्टैंडर्ड टेम्परेचर। यहाँ पर जो हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया है वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर के ऊपर है, यानी जो आपका टी अप्लाइड है वो टी स्टैंडर्ड से ज्यादा है। तो इस केस में आपका फॉर्मूला क्या होता है? करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर का आपको यहाँ पर फॉर्मूला बताना है, व्हेन टी अप्लाइड इज ग्रेटर देन टी स्टैंडर्ड। ऑप्शन नंबर बी। लास्ट का आप बता रहे हैं क्या अभी? ठीक है, दो केस पढ़ा था हमने, है ना। केस वन, जब आपका टी अप्लाइड जो है मतलब टेम्परेचर जो एक्चुअल में है वो स्टैंडर्ड से ज्यादा, और केस टू में हमने पढ़ा था कि जब आपका टी अप्लाइड जो है वो लेस देन टी स्टैंडर्ड है। जी बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। क्या होता है आपका एल अल्फा डेल टी। ठीक है, तो एल अल्फा की जगह यहाँ पर ए लिखा हुआ है और आपका डेल टी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। एक ऐसे सही होगा, ए में दिया हुआ है आपका ए टी अपॉन एल, आपका फॉर्मूला होता है एल अल्फा डेल टी। ठीक है, तो डिवाइड बाय एल नहीं होता यहाँ पर, वो आपका पी एल अपॉन ए अलग है ना, वो आपका एरर ड्यू टू पुल है, यहाँ पे पुल की बात नहीं हो रही। ठीक है, तो अपॉन में यहाँ पर कुछ भी नहीं आता। फिर मैट्रिक चेन्स आर जनरली अवेलेबल इन। तो मैट्रिक चेन कौन सी लेंथ में आपको मिलती है? तो ये भी हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, 20 मीटर में आपको मिलती है। ठीक है, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। तो जो भी आपके क्वेश्चन प्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस थे वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, वरना आज का हम सेशन यहीं पर एंड करेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे कंपास सर्वेइंग के बारे में। ठीक है, जिसमें हम एंगल्स को भी मेजर करेंगे। अभी तक हम सिर्फ लेंथ को मेजर कर रहे थे, अब हम एंगल्स को भी मेजर करेंगे और एंगल्स की मदद से हम पूरा सर्वेइंग यहाँ पर परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो वो भी आपकी छोटी सी यूनिट है, एक मोस्ट प्रोबेबली एक सेशन में हम उसको खत्म कर लेंगे। और फिर देन हमारा ट्रावर्सिंग, वो भी एक सेशन का ही होगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तो क्वेश्चन भी देख के आपको समझ में तरीके क्वेश्चन यहाँ से प्रॉब्ली फ्रेम होते हैं। तो आप देखे होंगे कि टेप और चेन से ज्यादातर क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। देन आपका जो करेक्शंस हैं उसमें सैक करेक्शन से ज्यादातर क्वेश्चन स्लोप करेक्शन और आपके स्टैंडर्डाइजेशन करेक्शन से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। तो यही दो चीजें सबसे ज्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है ना, इन्हीं चीजों से थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पर फ्रेम होते हैं जी। डिसीजन और एक्यूरेसी देखिए हमने ऐसे समझा था, ये आपका कोई जैसे आपने डार्ट या आर्चरी देखी होगी, आर्चरी जब हम खेलते हैं तो एक आपका बुलदाय होता है बीच में, ठीक है। तो मैंने आपको 4 केसेस बताए थे, फर्स्ट केस में हमने देखा था कि अगर आपने यहाँ पे निशाने लगाए और सारे निशाने बिल्कुल दूर दूर हैं तो यहाँ पे आपका जो प्रिसीजन है वो भी लो है और एक्यूरेसी भी आपका लो है, ठीक। सेकेंड केस में हमने देखा था कि आपने सारे के सारे डार्ट एक ही जगह पे मार दिए तो आपके यहाँ पे प्रिसीजन हाई है और एक्यूरेसी क्या है, कम है। थर्ड केस में हमने देखा था कि यहाँ पर आपने डार्ट तो क्या मारे हैं, जो आपकी टारगेट है उसके पास मारे हैं पर आपकी ओरिजिनल वैल्यू एक दूसरे से दूर है, तो यहाँ पे आपका प्रिसीजन कम था और एक्यूरेसी ज्यादा थी। और एक केस था जहाँ पे आपने सारे एक ही जगह पे मार दिए सेंटर पे, यहाँ पे प्रिसीजन भी ज्यादा है और एक्यूरेसी भी ज्यादा है। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि प्रिसीजन का मतलब होता है कि किसी भी काम को जब आप कर रहे हो तो कितने अच्छे से परफॉर्म कर रहे हो, आपकी जो मेजर्ड वैल्यूज हैं वो आपस में कितना पास पास है। मैंने इसको आपको ऐसे भी समझाया था कि जब आप एक लेंथ को आप मेजर कर रहे हो A से B तक, ठीक है, तो पहली बार में आपने मेजर किया 9.99, दूसरी बार आपने मेजर किया 9.98, तीसरी बार आपने मेजर किया 9.99 और चौथी बार आपने मेजर किया 9.995, ठीक है। और एक्चुअल में ये लेंथ कितनी थी, 20 मीटर की, आपने मेजर कितनी की, 9.99। तो ये सारी वैल्यूज आपकी बहुत पास पास हैं, दैट मीन्स आपकी जो प्रिसीजन है वो काफी अच्छी है। पर एक्यूरेट है क्या है, प्रिसीजन तो आपका काफी अच्छा है, आपने सारी जितनी बार भी उस वैल्यू को कैलकुलेट किया वो आपस में बहुत पास पास है, ठीक है, लगभग सेम ही आ रही है, पर क्या वो एक्यूरेट है, आप मुझे बताइए। क्या आपने जो वैल्यूज को मेजर किया ये एक्यूरेट है, नहीं है। दैट मीन्स आपकी प्रिसीजन तो काफी अच्छा था पर आपकी एक्यूरेसी कम थी, ठीक। ये आपका पहला कंडीशन हो गया। सेकंड कंडीशन ये हो सकता है कि आपने वैल्यूज मेजर की 19.8, 20.2, 19.7 या 20.3। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपकी जो ट्रू वैल्यू है वो 20 है, उसके तो वैल्यू पास है पर ये वैल्यूज आपस में पास पास नहीं है, तो यहाँ पे आपका प्रिसीजन कम हो गया और एक्यूरेसी हाई हो गई। थर्ड हो सकता है कि आपने 20 नाप दिया सब में, तो यहाँ पे आपका प्रिसीजन भी हाई है और एक्यूरेसी भी हाई है। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो, क्लियर है। और कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए तो इस सेशन लेते रखते हैं। उम्मीद करता हूँ सेशन पसंद आया होगा। कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट या कोई भी फीडबैक है तो यू कैन ऑलवेज शेयर योर फीडबैक। थैंक यू सो मच फॉर द टाइम।